जय श्री राम। आज हम बनाने वाले हैं स्वास्तिक से श्री हनुमान जी का स्वरूप। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी देवी देवता का स्वरूप बनाने से पहले स्नान कर ले और सच्चे मन से जो है उनकी आराधना करके ही उनका स्वरूप बनाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अब पैर बना दिए हैं। इस स्वरूप को बनाने के लिए मैंने चरणों से स्टार्ट किया है स्वरूप को बनाना। फ्रेंड्स, मेरा मार्कर थोड़ा मोटा है ये, तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग से जो है ये नहीं चल पा रहा, और कैमरा भी मुझे देखना है तो इसलिए मुझे देखने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है स्वरूप बनाते टाइम। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्वरूप बने, मनमोहक हो। हनुमान जी का स्वरूप मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन आज मैं जो है ये स्वरूप स्वास्तिक से बनाना शुरू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, स्कूल टाइम में तो और भी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब हाथ में उतनी सफाई भी नहीं रही, लेकिन आज ट्राई करता हूँ। अब बात करते हैं हनुमान जी की, और हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त इस दुनिया में हुआ ही नहीं, जो श्री राम जी के इतने बड़े भक्त थे उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी टैलेंट है, आपके अंदर कोई भी गुण है, तो आप उसको छोड़े नहीं, कभी कभी ट्राई करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हनुमान जी का फेस बनाते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरा कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक पॉज हो गया था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ था, और मैं पूरा फेस बना चुका था फ्रेंड्स, और जब मैंने देखा तो मेरा कैमरा पॉज था। पता नहीं फ्रेंड्स क्या हुआ था, कैसे हुआ, पॉज कैसे हो गया कैमरा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं फेस इतना अच्छा बना तो मैं एरेज करके दोबारा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि एक बार जो चीज़ बनती है वो दोबारा वैसी नहीं बन पाती। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने शायद इसमें ही हनुमान जी की मर्जी थी, तो मैंने उस चीज़ को दोबारा एरेज करके नहीं बनाया। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा, और तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको हमारी ड्राइंग कैसी लगी, और भगवान जी का ये हनुमान जी का स्वरूप कैसा लगा। पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर राम की जय।